हेलो एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज है 26 जुलाई 2021। 26 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 26 जुलाई के वो हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में डिस्कस करने की। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ LPG रिफॉर्म्स। क्या दिया है? नॉट पार्ट ऑफ। अगर यहाँ पे लिखा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ LPG रिफॉर्म्स तो क्वेश्चन का आंसर कुछ और बनता है। यहाँ पे दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ LPG रिफॉर्म्स। ऑप्शंस क्या हैं? ए लिबरलाइजेशन, बी ग्लोबलाइजेशन, सी प्राइवेटाइजेशन, डी है पब्लिसाइजेशन। इसका राइट आंसर है डी पब्लिसाइजेशन। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विच चेंज्ड द पैथ ऑफ द इकॉनमी दैट द कंट्री विटनेस्ड इन लेटर ईयर वाज द LPG रिफॉर्म्स। क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, समटाइम्स आल्सो रेफर टू एज LPGM। GM का क्या मतलब है? M का क्या मतलब है? वेयर M स्टैंड्स फॉर मार्केटाइजेशन। इंट्रोड्यूस्ड इन 1991, इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द क्राइसिस दैट अफेक्टेड द गवर्नमेंट, वेयर द गवर्नमेंट हैड टू बोरो मनी फ्रॉम BOE बाय लेंडिंग इट्स 47 टन्स ऑफ गोल्ड फॉर द फॉरेक्स रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफून इन्फा रिसेंटली इन न्यूज मेड लेंड फॉल इन। ऑप्शंस क्या क्या है? फिलीपींस, बी चाइना, सी थाईलैंड, डी साउथ कोरिया। कहाँ पे हुआ था ये? कौन सी कंट्री में हुआ है? चाइना। बी इज द राइट आंसर। चलिए डिस्क्रिप्शन में देखते हैं किसके रिलेटेड। टाइफून इन्फा चाइनीज कमर्शियल हब कहाँ पे है? चाइनीज कमर्शियल हब शंघाई एंड नेबरिंग कोस्टल रीजन्स कैंसल्ड ऑल फ्लाइट्स, स्लोड और सस्पेंडेड सबवे ट्रेन्स एंड शटर्ड बिजनेस एज टाइफून इन्फा मेड लैंड फॉल ऑन संडे। कब? 25 जुलाई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स आर नॉट लोकेटेड एट। ध्यान में रखिएगा नॉट लोकेटेड लिखा हुआ है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स आर नॉट लोकेटेड एट कहाँ पे नहीं है? ए विशाखापट्टनम, बी पादुर, सी मैंगलोर, डी कोची। इसका राइट आंसर क्या है? डी कोची। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू सेट अप 5 MMT ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑयल स्टोरेज ऑफ 3 लोकेशंस टू इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी। दीज 3 लोकेशंस कौन सी हैं? विशाखापट्टनम, मैंगलोर एंड पदुर। 2 न्यू SPRs आर प्रपोज्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड अंडर Phase 2 एट कहाँ कहाँ पे? चंदीखोल, उड़ीसा और पदुर कर्नाटका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। कौन सी कंट्री है लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ऑप्शंस क्या है? इंडिया, बी चाइना, सी ब्राज़ील, डी साउथ अफ्रीका। लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड कौन सी कंट्री है? चाइना। चाइना इज द राइट आंसर। सेकंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड कौन है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर किसी को पता है सेकंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड कौन सी कंट्री है, इनमें से ही एक कंट्री है, आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा। इसका मैं डिस्क्रिप्शन नहीं दिखाऊंगा क्योंकि उसमें ही आंसर छुपा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। पहले स्टेटमेंट क्या है? इट केम इन इफेक्ट इन 1972। सेकंड स्टेटमेंट है द ग्रेट स्पा टाउन्स रिसेंटली एडेड इन लिस्ट लाइज इन अफ्रीका। अब देखते हैं अबाउट किसके? कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। इसके रिलेटेड कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? ए
वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ एट वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या है? वन ओनली। पहली स्टेटमेंट सही है, इट केम इन इफेक्ट इन 1972। सेकंड स्टेटमेंट क्या, वो रॉन्ग है, क्रिएटेड इन 1972। ठीक है, द प्राइमरी मिशन ऑफ द कन्वेंशन इज टू आइडेंटिफाई एंड प्रोटेक्ट द वर्ल्ड्स नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज कंसिडर्ड टू बी ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू। सेकंड क्या है, ग्रेट स्पाज ऑफ यूरोप इज ए ग्रुप ऑफ 11 स्पा टाउन्स अक्रॉस 7 कंट्रीज दैट हैज बीन नॉमिनेटेड टू यूनेस्को फॉर इंस्क्रिप्शन ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट एज ए ट्रांसनेशनल सीरियल प्रॉपर्टी। सो द राइट आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पाइजो इलेक्ट्रिक मटीरियल्स। पहली स्टेटमेंट है, दीज आर मटीरियल्स दैट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट व्हेन दे आर प्लेस्ड अंडर मैकेनिकल स्ट्रेस। सेकंड स्टेटमेंट है, द पाइजो इलेक्ट्रिक प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। ऑप्शंस क्या है, ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ए वन ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पावर आइसलैंडिंग सिस्टम। पहली स्टेटमेंट है, इट इज ए सिस्टम इन विच डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेटर कंटिन्यूज टू पावर ए लोकेशन इवन दो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल ग्रिड पावर इज नो लॉन्गर प्रेजेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है, बेंगलुरु एंड दिल्ली आर इंक्लूडेड इन द सिटीज विच आर बींग एसेस्ड फॉर एन आइसलैंडिंग सिस्टम। ऑप्शन क्या है, कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या है, ओनली वन। अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है। यहाँ पे दिया, बेंगलुरु एंड दिल्ली आर इंक्लूडेड इन द सिटीज विच आर बीइंग एसेस्ड फॉर एन आइसलैंडिंग सिस्टम। कौन कौन सी सिटी है, बेंगलुरु एंड दिल्ली, यहाँ डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। बेंगलुरु एंड जमनगर, नॉट दिल्ली, बेंगलुरु एंड जमनगर विच हैव टू ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरीज आर इंक्लूडेड इन द सिटीज विच आर बीइंग एसेस्ड फॉर एन आइसलैंडिंग सिस्टम। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट क्या है, महाराष्ट्रज ईवी पॉलिसी एम्स टू अचीव 25% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ लास्ट माइल डिलीवरी व्हीकल बाय 2030। ईवी का मतलब है महाराष्ट्रज इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज अनाउंसड इट्स डिसीजन टू बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू ज्वाइन हैंड्स विद क्लाइमेट ग्रुप्स इलेक्ट्रिक व्हीकल 100 कंपेन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें इसमें से बतानी है कौन कौन सी स्टेटमेंट सही हैं। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन इस तरह से दिया हो वहाँ पे क्या दिया हुआ है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट है या करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि अक्सर इंसान यहीं से गलती कर देता है, क्वेश्चन का आंसर पता होते हुए भी रॉन्ग मार्क कर देता है। ऑप्शन देखते हैं क्या कहें, ए ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ओनली टू। सेकंड फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, महाराष्ट्रज ईवी पॉलिसी एम्स टू अचीव 25% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ लास्ट माइल डिलीवरी व्हीकल बाय 2025 नगेट 2030। बाकी स्टेटमेंट सही है, लास्ट पे जो दिया हुआ है डिलीवरी व्हीकल बाय 2030 नहीं है 2025 जैसा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टी कल्टीवेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा थी न्यूज़ में, इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चन भी एक पूछा गया कि फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सी कंट्री है, तो मैंने आपको बताया था कि चाइना है, और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड कौन सी है, वो आपको आंसर में बताना है कमेंट बॉक्स में। इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट है, टी इज ए ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल प्लांट
एंड ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। कहाँ पे होती है? टी इज ए ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल प्लांट एंड ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। क्या ये सही है? सेकेंड स्टेटमेंट है द आइडियल टेम्परेचर फॉर इट्स ग्रोथ इज 20 to 30 degrees Celsius एंड टेम्परेचर अबोव 35 degree एंड अबोव 10 आर हार्मफुल फॉर द बुश। थर्ड स्टेटमेंट है इट रिक्वायर्स 50 to 75 cm एनुअल रेनफॉल विच शुड बी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। ऑप्शन क्या है? ए ओनली 1 and 2, बी ओनली 1 and 3, सी ओनली 2 and 3, डी ऑल ऑफ द अबोव। इस टाइम हम क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं। किसी भी वीडियो में आपको इतने सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे करंट अफेयर्स की। हार्डली हर कोई 5 या 6 क्वेश्चन हार्डली डिस्कस करता है और कम से कम भी आधे घंटे की वीडियो बन जाती है वो। तो इतनी कम टाइम में इतने सारे क्वेश्चन कोई भी डिस्कस नहीं करेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का ए ओनली 1 and 2। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट क्यों गलत है। इट रिक्वायर्स 150 to 300 cm, 150 से 300 cm। यहाँ पे क्या दिया है? 50 to 75 cm, इतना नहीं है। इट रिक्वायर्स 150 to 300 cm एनुअल रेनफॉल विच शुड बी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मोल्टन साल्ट रिएक्टर्स। पहली स्टेटमेंट क्या है? दे आर न्यूक्लियर रिएक्टर्स दैट यूज सॉलिड फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ वेरी हॉट फ्लोराइड और क्लोराइड साल्ट रदर देन द सॉलिड फ्यूल यूज्ड इन मोस्ट रिएक्टर्स। सेकेंड स्टेटमेंट, सिंस द फ्यूल साल्ट इज लिक्विड इट कैन बी बोथ द फ्यूल प्रोड्यूसिंग द हीट एंड द कूलेंट। हमें इसमें से बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, पहली स्टेटमेंट सही है, सेकेंड स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन क्या है? ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी बोथ 1 and 2, डी नन ऑफ द अबोव। इसका राइट आंसर है ओनली 2। पहली स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। दे आर न्यूक्लियर रिएक्टर्स दैट यूज ए फ्लूइड फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ वेरी वेरी हॉट फ्लोराइड और क्लोराइड साल्ट रादर देन द सॉलिड फ्यूल यूज्ड इन मोस्ट रिएक्टर्स। चलिए सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।